क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें हम बनाएंगे कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। पहले आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, फॉर्मेट अपने सामने रखें, अब आप बताते जाएंगे पहले क्या लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जी आपको पहले इसमें लेके बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में 2 इयर्स का डेटा है, 2004 2005, राइट। इसके बाद इसमें यहाँ पे आपको दिया है रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट दिया हुआ है। कहते हैं इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग इज मेड अप एज फॉलोज। ये रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 500, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1090, फाइनेंस कॉस्ट पेड। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इनकम टैक्स एक्सपेंस, डिविडेंड पेड, और ये रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर, और ये रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस। अब हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो ये दिया हुआ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 970। यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 970, ठीक है। नेक्स्ट, सूखे बचा रहे। अच्छा, नेक्स्ट क्या आएगा? फॉर्मेट देखते जाना, एडजस्टमेंट फॉर। अब इसमें एडजस्टमेंट किसकी होगी? डेप्रिसिएशन की, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन तो हम चलते हैं नॉन करेंट एसेट्स में। अच्छा, ये देखिए नॉन करेंट एसेट्स आपको दिए हुए कॉस्ट है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ओपनिंग बैलेंस 2100, ये क्लोजिंग बैलेंस 3400, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस 550 है, क्लोजिंग बैलेंस 720। अच्छा, ये बराबर में नेट बुक वैल्यू देंगे ना आपको। अच्छा, हमें क्या चाहिए? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, ये इसमें गिवन क्या है? बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा हमें? इनकम स्टेटमेंट में। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट तो नहीं है, नहीं सही है? इनकम स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, बैलेंस शीट है, और ये रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है। अच्छा, नोट में बात कर रहे हैं वो सिर्फ डिस्पोजल की, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। तब हम डेप्रिसिएशन हमें फाइंड करना होगा। हाँ, और उसके लिए हम बनाएंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट, जो भी हमने बनाया था ना, उसी तरह से उससे डेप्रिसिएशन फाइंड होगा, ठीक है। तब हम बनाते हैं। अच्छा, तो आंसर इसका आएगा 310। इसके वर्किंग करते हैं, ये बनेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इसका ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट से मिलेगा हमें। ये आपको दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 550, क्लोजिंग बैलेंस 720। ओपनिंग बैलेंस आ गया 550 और ये क्लोजिंग बैलेंस 720, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या आता है? डिस्पोजल आएगा और करंट ईयर डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। तो पहले डिस्पोजल चेक करते हैं, डिस्पोजल है या नहीं। तो ये नोट वन में लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट दैट हैड कॉस्ट 200 विद रिटेन डाउन वैल्यू 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ड्यूरिंग द ईयर, डिस्पोजल हो रहा है। अब ये जो एसेट हम डिस्पोज कर रहे हैं, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 1,40,000 है, ये उधर आ जाएगा अकाउंट में ना। तो ये एक्चुअली अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा 1,40 से, सही। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, ये डेबिट साइड का टोटल आ गया 860। 860 में से 550 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। इस तरह ही अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर हो करंट ईयर डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ये हो गया डेप्रिसिएशन। अभी हम यहाँ पे क्या, अच्छा,
ठीक है, आगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसके बाद एमोर्टाइजेशन आएगा। एमोर्टाइजेशन होती है इनटेंजिबल एसेट्स की ना, तो इसमें आपको सिर्फ यहाँ देखें नॉन करंट एसेट दिए हुए, इसमें टेंजिबल इनटेंजिबल मेंशन नहीं है, तो ये आपके टेंजिबल ही होंगे क्योंकि ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो टेंजिबल डेप्रिशिएट होते हैं, इनटेंजिबल एमोर्टाइज, तो मतलब इसमें इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट नहीं दिए। अब इसके बाद आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस, अब यहाँ देखते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ मिलेगा हमें ये रहा। अच्छा ये लेस फाइनेंस कॉस्ट के, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 120। तो 120 ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल, ठीक है, मतलब लाइन की ड्रॉ की। अच्छा अब यहाँ से डिस्पोजल दिया था नोट वन में, लॉस गेन क्या हो रहा है, कितना कितना 20,000 लॉस है, गेन है, गेन है 60,000 बुक वैल्यू है, 80,000 में सेल किया था, 20,000 का गेन हुआ, ये माइनस हो जाएगा। गेन ऑन डिस्पोजल माइनस कर दिया, इंटरेस्ट 120 क्यों लिया, कौन कह रहा है, हाँ अच्छा क्या कह रहे हैं, 120 क्यों लिया, कहाँ से आइए ना, ये फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, सही है। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड है, रिसीव नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस नोट करते हैं, कैश में पहले दोनों एक साल का बनेगा ना सर, हमने वो डिफरेंस निकालने के लिए 2 ईयर का डेटा दे रहे हैं ना, कि लास्ट ईयर क्या बैलेंस है, इस ईयर क्या बैलेंस है, तो हमें इंक्रीज डिक्रीज पता चलेगा ना। हाँ तो देखिए बैलेंस शीट में से 2 ईयर्स का डेटा जो दिया है, 2 साल की बैलेंस शीट है ना, 4 और 5, देखिए कंपेरिजन के लिए ना, 2004 के एंड पे जैसे एसेट कितने थे आपके, ऐसे 5 के एंड पे कितने, तो क्या चेंज आ रहा है, उसके 2 साल का डेटा है ना, कि लास्ट ईयर से करंट ईयर को कंपेयर कर रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसलिए अब रिसीवेबल्स करंट एसेट पे आते हैं। अच्छा रिसीवेबल्स मैंने क्या लिखा पहले देख लेते हैं, इन्वेंट्री है पहले, चलो इसी सीक्वेंस में इन्वेंट्री में क्या चेंज आ रहा है, ये 4 है, ये 5 है, इधर इंक्रीज इंक्रीज इन्वेंट्री आपकी 200 से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो माइनस करेंगे। अच्छा इसके एक शॉर्ट रीजन बता देता हूँ, शॉर्ट रीजन जो होती है, डिटेल बातें बताऊंगा। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है मींस आपने स्टॉक बाय किया, कैश पे हुआ, कैश आउटफ्लो माइनस, सब आएंगे ना, सब सीक्वेंस चल रहा है, इन्वेंट्री रिसीवेबल पर आएगा ना, रिसीवेबल भी क्या चेंज आ रहे हैं, डिक्रीज, तो रिसीवेबल्स डिक्रीज कब होते हैं, जब कैश आता है, तो इसको मतलब कैश इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो रिसीवेबल डिक्रीज हुआ, तो ये ऐड हो गया। अच्छा ये शॉर्ट कट रीजन है, अभी डिटेल रीजन आपको एंड में बताऊंगा, हर एक में अकाउंट बना के सकता हूँ। तो रिसीवेबल डिक्रीज कब होता है, जब कैश रिसीव होता है, तो कैश इनफ्लो होगा, इसलिए हम इसे ऐड करेंगे, सही है। अब ये करंट एसेट हो गए, कैश जो इसमें नहीं आएगा। अब करंट लायबिलिटीज पे आते हैं, अच्छा बैंक बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें नहीं आता। ट्रेड पेबल्स, पेबल्स में क्या चेंज आ रहा है, 100 से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब हमने सप्लायर को पेमेंट नहीं नहीं कैश होल्ड कर लिया, ऐड हो जाएगा, तो ये 100 यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, अगर पेबल डिक्रीज होंगे तो उसका मतलब हमने पेमेंट की, कैश आउटफ्लो माइनस होगा, इंक्रीज हो रहा है मींस पेमेंट नहीं की, कैश हमने होल्ड कर लिया, ऐड हो गया। इसके बाद अच्छा इसमें और एक्रूवल्स नहीं दिए हुए,
टैक्स पेबल है तो वो नहीं आता इसके अंदर। ये हमारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड आ जाएगा। अच्छा, अब इंटरेस्ट पेड कितना है? अच्छा, उसने यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ 120। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट पेड, वैसे तो यहाँ पेड का वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये पेड का वर्ड ना होता यहाँ पे तो फिर हमें चेक करना पड़ता पे कितना किया और चार्ज कितना हुआ ना। तो यहाँ दिया हुआ इंटरेस्ट 120, और यहाँ करंट लाइबिलिटी में देखें इंटरेस्ट पेबल नहीं है, तो उसका मतलब जो भी इंटरेस्ट था वो हमने पे कर दिया। तो यही हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर है, और यही हमारा इंटरेस्ट पेड है, तो इसमें इंटरेस्ट का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया इंटरेस्ट पेड 120। अच्छा, इसके बाद टैक्स पेड। अब यहाँ पे देखें इनका आपको ये दिया हुआ इनकम टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ 300। अच्छा, ये है इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, हमें चाहिए इनकम टैक्स पेड। तब हम देखते हैं कि लायबिलिटी में टैक्स पेबल आ रहा है क्या। अब यहाँ टैक्स पेबल दिया हुआ है, इट मीन्स आपका टैक्स पेड 300 नहीं है, कुछ और होगा। अब हमें टैक्स का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब टैक्स का टी अकाउंट बनाएंगे, वहां से हमें मिल जाएगा इनकम टैक्स पेड, ये अमाउंट आ जाएगा 200 आंसर आएगा। अब इसकी वर्किंग दिखाता हूँ आपको, इनकम टैक्स। अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग ये वाला है 200, तो ओपनिंग बैलेंस 200 डेबिट होगा क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि इनकम टैक्स पेबल है, लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हुआ, और ये क्लोजिंग बैलेंस इसका सीडी डेबिट पे आ जाएगा। अच्छा, और इसमें क्या होता है, पेड आता है ना, पेमेंट कहाँ आएगी डेबिट पे, और आईएस कहाँ आता है क्रेडिट। तो हमने इनकम स्टेटमेंट में टैक्स चार्ज कितना किया, 300 चार्ज हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड पर आईएस। अब अकाउंट क्लोज करेंगे। अब ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 500 में से 300 माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा इनकम टैक्स पेड आ गया। तो इस तरह हमने टैक्स पेड कैलकुलेट कर लिया, और अब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है, और आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, अच्छा यहाँ तक कॉपी कर लें पहले, फिर कंप्लीट करते हैं इसको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अच्छा इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, कौन सी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स, अच्छा बैलेंस शीट में देखें नॉन करंट एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस 2100 है, क्लोजिंग बैलेंस 3400, इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब एसेट एक्वायर किए हमने ना। और यहाँ पे वो डिस्पोजल भी बता रहा है नोट वन में, एक एसेट डिस्पोज हो रहा है। अच्छा, डिस्पोजल तो उसने बता दिया, अपने सिर्फ एक्वायर मालूम करना है कितने एसेट हमने एक्वायर किए, तो इसके लिए बनेगा नॉन करंट एसेट का टी अकाउंट लास्ट टाइम। ये नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2100, और क्लोजिंग बैलेंस 3400 कॉस्ट करना। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया 2100 और क्लोजिंग बैलेंस 3400 आ गया। इसके बाद डिस्पोजल की एंट्री आएगी। अब ऐसे हम डिस्पोज कर रहे हैं, कॉस्ट है 2200, 2 लाख रुपए, बुक वैल्यू 60,000 और सोल्ड हो रहा है 80,000, तो यहाँ से क्या वैल्यू लें, 2,80,000, 2 लाख लेंगे, उसकी कॉस्ट लेंगे, हम नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट बना देना, तो क्रेडिट करेंगे इसको कॉस्ट 200 से क्रेडिट। अच्छा, इसके बाद रिवैल्यूएशन आता है, रिवैल्यूएशन इसमें नहीं दिया हुआ, अकाउंट क्लोज करेंगे।
अब क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,608। अब 3,608 में से 2,100 लेस कर देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,500 एडिशन। ये 1,500 का हमने नॉन करंट एसेट्स एक्वायर किया, अच्छा 1,500 का न्यू एसेट एक्वायर कर रहे हैं, पेमेंट हो रही है, तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे, पेमेंट टू एक्वायर नॉन करंट एसेट माइनस हो गए। अच्छा डिस्पोजल देखते हैं, अब नोट वन, ये एसेट हमने डिस्पोज कितने में किया, 80,000 में सेल कर रहे हैं, तो ये कैश इनफ्लो होगा, तो 80,000 ऐड कर लेंगे कैश इनफ्लो, और उसके बाद ये इसका नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा आपके पास, ठीक है, तो जिसमें यही आएगा। हाँ इसमें से दो ये से, सेल परचेज आते हैं, क्लियर। अच्छा अब फाइनेंसिंग भी कर लेते हैं साथ ही, फिर कॉपी कर लीजिएगा। अब आ जाए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब इसमें इक्विटी में देखते हैं क्या चेंज आ रहे हैं। अच्छा शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस है 6,000, क्लोजिंग बैलेंस 9,000, तो 300 का इंक्रीज आ रहा है, इट मीन 300 के हमने न्यू शेयर इशू किए, तो कैश फ्लो हुआ, कैश इनफ्लो 300 हो जाएगा। इसके बाद शेयर इशू कर दीजिए, इसके बाद शेयर प्रीमियम अकाउंट, अच्छा शेयर प्रीमियम में भी ओपनिंग बैलेंस 320, क्लोजिंग बैलेंस 500, तो 180 का इंक्रीज आ रहा है, तो इट मीन ये शेयर हमने प्रीमियम पर इशू किए होंगे ना, तो ये भी कैश इनफ्लो होगा, ऐड कर लेंगे 180। अच्छा उसके बाद रिटेन अर्निंग इसमें नहीं आएगा, ये प्रॉफिट है हमारा। अब नॉन करंट लायबिलिटी में लोन आ जाता है, लोन नोट्स ओपनिंग बैलेंस 1,000, क्लोजिंग 1,200, 200 का न्यू लोन हमने लिया, तो ये भी कैश इनफ्लो, तो 200 ऐड हो जाएंगे कैश इनफ्लो। अच्छा ये यहाँ पे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई। अच्छा एक रह गया, हाँ डिविडेंड पेड भी आएगा ना, फॉर्मेट देखें इसमें क्या है। हाँ डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड ये लास्ट में दिया हुआ है 250 का, तो 250 माइनस करेंगे, पेमेंट हो रही है कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा अब देखें तीनों एक्टिविटीज हो गई, तीनों को हमने नेट कैश फ्लो निकाल दिया, अब तीनों का सम करेंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेट कैश फ्लो कितना था, नेट 1,160, इन्वेस्टिंग का नेट कैश फ्लो था -1,420, तो ये लेस हो जाएगा 1,160 -1,420, और ये फाइनेंसिंग का नेट कैश फ्लो था 430, ये ऐड हो जाएगा। इन तीनों का सम कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 170, ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव है तो इंक्रीज, हाँ पॉजिटिव है तो इंक्रीज, नेगेटिव होगा तो डिक्रीज, हाँ पता चलेगा ना इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ, ठीक है। तो अब देखिए हम अपना अब इस पे बात करते हैं, जरा ये कैश तो हो गया ना, तो ये क्लियर कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, हाँ यानी कि वो एसेट्स जो कैश के इक्विवेलेंट हो, कैश ना हो लेकिन कैश के इक्वल हो, जैसे उसमें बैंक बैलेंस आ जाएगा कैश ही है, ठीक है, और क्या आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब ये कैश एक कैश इक्विवेलेंट्स नहीं, कैश तो नहीं है लेकिन कैश के इक्वल है, इसमें करंट एसेट आते हैं, और कौन से करंट एसेट बताता हूँ, ये रहा आप इसको पढ़ेंगे। देखिए कैश इक्विवेलेंट्स को आपने और शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडीली कन्वर्टेबल टू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश एंड व्हिच आर सब्जेक्ट टू नो एंड टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। शॉर्ट टर्म को इन्वेस्टमेंट हो जो कि फौरी तौर पे कैश करवा सके आप, और जिसकी वैल्यू में चेंज आने के चांसेस बहुत कम, बॉन्ड हो सकते हैं जैसे प्राइस बॉन्ड। अच्छा
इसमें क्या है, देखिए टू फुलफिल दी अबव, टू फुलफिल दी अबव डेफिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी डेट शुड नॉर्मली बी 3 मंथ्स फ्रॉम इट्स एक्विजिशन डेट, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो कहलाएंगे आपके कैश इक्विवेलेंट्स। अच्छा इसमें शेयर आ सकते हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे? आ सकते हैं लेकिन नहीं आएंगे। हाँ इसमें रिस्क है, वैल्यू अप डाउन होती रहती है बहुत ज्यादा। कैश तो हो जाएंगे, किसी भी टाइम कैश करवा सकते हैं उसको, लेकिन क्या रिस्क होता है ना अप डाउन, ठीक है, तो वो इसमें नहीं आएंगे। तो बाकी क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कैश इक्विवेलेंट आपको बता देगा। तो कैश इक्विवेलेंट चाहिए आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाए और जिसमें चेंज आने का चांस बहुत कम, ठीक है। अच्छा तो फिलहाल आप क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में करंट एसेट्स पे आते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में है। अब करंट एसेट कर दिए आपके, करंट एसेट होंगे। अच्छा करंट एसेट में इन्वेंट्री है, ये उसमें नहीं आएगा, रिसीवेबल्स भी नहीं आते हैं, सिर्फ कैश दिया हुआ है फिलहाल आपको, ठीक है। अच्छा बैंक आ सकता है, यहाँ उसने बैंक नहीं है बल्कि यहाँ पे उसने आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो ये भी आ जाएगा। अच्छा कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 50 50 और बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग कितना है, ट्वेंटी तो ये माइनस होती है, -230 रहेगा ना, -230। और उसके बाद क्लोजिंग देखते हैं कितना है, कैश का क्लोजिंग 80 है, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्लोजिंग 60 माइनस का, वो था ओपनिंग बैलेंस था 230 माइनस क्लोजिंग आ रहा है 60 माइनस, तो ओवरड्राफ्ट कम हो गया या ज्यादा हुआ? कम हो गया ना, तो कम होने का मतलब कैश इनफ्लो ज्यादा था हमारा, कैश आउटफ्लो कम था। और कितना डिफरेंस आ रहा है देखें, 230 दोनों का नया है, अभी कितना है 60, 230 और 60 का डिफरेंस कितना बन रहा है, 230 और 60 गलत बता डिफरेंस 230 और इसका डिफरेंस कितना है 170 170 बन रहा है एग्जैक्ट। तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या आया था 170। तो यहाँ से हमें एक चीज ये भी पता चल जाती है कि जो कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है उसकी क्या रीजन है, आते हैं अभी आते हैं, भी आते हैं। अच्छा फॉर्मेट में देखेंगे इसके बाद क्या लिखा हुआ, कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स एट स्टार्ट बिगनिंग ओपनिंग बैलेंस लेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 50, बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 280, ये माइनस हो जाएगा, दोनों का नेट कितना आएगा -230। तो यहाँ हम लिखते हैं -230। अच्छा अच्छा इसके मैं आपको वर्किंग पे दिखा देता हूँ, देखो ये हमने यहाँ लिखे इसके ओपनिंग बैलेंस, इसमें कैश आ गया, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग आ गया और ये बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग क्लोजिंग आ गया। अच्छा ओपनिंग बैलेंस का सम क्या बन रहा है -230, क्लोजिंग का सम -60। तो आपका ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, ओवरड्राफ्ट का आपको कम होता है जब आपका इनफ्लोस ज्यादा हो आउटफ्लो कम हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, ये 230 लिखते हैं। अच्छा अब इन दोनों का सम करें, 170 -230 माइनस हो जाएगा, तो -60 आंसर आ जाएगा जो कि आपके कैश इन कैश इक्विवेलेंट से इक्वल है, सही ठीक है। तो यहाँ से हमें ये भी आंसर मिलता है कि जो कैश या बैंक बैलेंस में जो भी चेंज आ रहा है, ओपनिंग क्या था क्लोजिंग क्या था उसकी रीजन क्या है। अच्छा इक्वल आने का मतलब क्वेश्चन भी हमने सही। सही अच्छा अब एक चीज देखिए, इसमें बिजनेस तो प्रॉफिट में था ना, ये बिजनेस प्रॉफिट में था ना, प्रॉफिट हुआ था लॉस हुआ था, इसको प्रॉफिट था, लेकिन ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेगेटिव में जा रहे हैं, ये क्या बात है, प्रॉफिट होने के बावजूद कैश नहीं है आपके पास, आप ओवरड्राफ्ट में चल रहा है इसको, ऐसा हो सकता है गंगा के हाँ प्लान कैसे हो सकता है, क्यों रीजन क्या है। कर दिया हाँ तो देखिए, हाँ गंगा तो इसका आंसर हमें यहीं से मिलेगा, इसका देखिए नेगेटिव आ रही है, या मेन रीजन क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर है वो नेगेटिव में जा रहा है,
इसका मतलब जो आपने कैश आपको मिला वो आपने नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए प्रॉफिट होने के बावजूद आप ओवरड्राफ्ट में चल रहे हैं, ठीक है ये चीज। तो इस चीज का आंसर भी हमें कैश फ्लो से मिल जाता है कि अगर बिजनेस, क्योंकि नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तो कैश होना चाहिए और बिजनेस लॉस में जा रहा है तो कैश नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हमेशा ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट में होने के बावजूद आप ओवरड्राफ्ट में जा सकते हैं और लॉस होने के बावजूद कैश हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का आंसर भी हमें यहाँ से मिल जाता है। कंप्लीट हो गया अब इसको।